कानपुर में अश्लील वीडियो वायरल करने का मामला सामने आया है। मामला कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र का है, जहां क्षेत्र की निवासी युवती उन्नाव के एक सरकारी अस्पताल में फार्मासिस्ट के पद पर तैनात थी। युवती का आरोप है कि उसके साथ वहां के डॉक्टर मानवेंद्र सिंह ने कई कर्मचारियों के साथ मिलकर दुष्कर्म का प्रयास किया। आरोपी डॉक्टर खुद को विधायक कुलदीप सेंगर का भतीजा बताता है। परेशान पीड़िता ने एडीजी ऑफिस में शिकायत की, जिस पर बर्रा पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया गया है। और मानवेंद्र सिंह खुद को कुलदीप सिंह सेंगर का भतीजा बताते हैं, विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का। इसलिए उन्नाव में किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। ये मेरा शारीरिक और मानसिक शोषण करना चाहते थे, जिस पर विरोध करने पर इतने लगातार हमको परेशान करना चालू रखा, और इसके लिए हमने इनका मुकदमा भी कराया था। परंतु विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के डर से सब ने वहाँ पर गवाही बदल दी और वहाँ पर समझौता करवा लिया गया। उसके बाद भी लगातार ये मेरा शोषण कर रहे हैं। यहाँ पर कानपुर में भी हमने कई बार गुहाएँ लगाई, लेकिन उस बात भी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये लगभग दो साल से डॉक्टर मानवेंद्र सिंह और बेटी को तरह तरह की योजनाएँ बनाकर परेशान कर रहे हैं। कभी आरटीआई डालते हैं, कभी झूठा मुकदमा डालते हैं। और इसके बाद एक बार हमने उन्नाव में कंप्लेंट भी करी थी, लेकिन उनका प्रभाव इतना ज़्यादा है, बड़े परिवार से हैं और अपने आप को कुलदीप सिंह सेंगर का भतीजा बताते हैं, उस प्रभाव में हमें भी लगा कि उन्होंने कहीं पर भी मेरी बातचीत प्रशासन ने नहीं सुनी।